हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांतिपनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा ओमरी सर्च फॉर फूल्स जो यूनिट है उसका आधा ऊपर का लेसन हमने कंप्लीट किया था। ओके, हमारे 2 पार्ट अभी बाकी है, तो 1 पार्ट को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो हम हमारे इस वीक के लास्ट वीडियो यानी कि इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक का देखा था कि वो जो उसकी वाइफ के साथ उसकी बोला बोली हो जाती है वो आदमी की, फिर वो समझ जाता है कि ये मूर्ख बन गई है, तो वो भी उसको ऐसे बनाता है कि तूने तेरे पिता के लिए सब कुछ दे दिया, तो जब मेरे फादर मिलेंगे दूसरी दुनिया में तो उसको क्या देंगे, ऐसे वैसा करके वो उसके पास से ले आता है सब कुछ। वो ओमरी का पीछे करता हुआ निकल जाता है और जब ओमरी को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो वहाँ पे जो प्लांटिनेशन पे जो आदमी होता है उसको ऐसे कहता है कि यहाँ पे कोई आएगा तो तू उसको कुछ बोलना मत, नहीं तो तेरा नुकसान होगा, ऐसे वैसे उसको समझाता है और ऐसा कहता है कि तू ये कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ जाना, ऐसे उसको बोलता है और वो आदमी उसकी बात सच भी मान लेता है। तो और जब वो आता है तब उसको वो कोई जवाब, हाँ उसके बाद का हमारा बाकी है तो वो हम स्टडी करते हैं। चलो, शन द मास्टर ऑफ द हाउस अराइव, वो जो घर का जो मालिक था वो वहाँ पे आ जाता है। एंड शो द स्लेव क्लाइंबिंग द टॉल कोकोनट ट्री, और जो वो आदमी था उसका यहाँ पे हमने का नाम रखा है स्लेव यानी कि कोई एक आदमी, तो वो कोकोनट ट्री पे चढ़ने लगती क्योंकि ओमरी ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। ही स्टॉप एंड कॉल्ड आउट, हैव यू सीन अ मैन राइडिंग अ डोंकी पास थ्रू दिस प्लेस, उसने उसको क्या पूछा कि यहाँ पे कोई आदमी अभी अभी डोंकी पे सवार होके गया है तो आपने उसको देखा है। विदाउट रिप्लाइंग द शेल मेरीली क्लाइम फर्दर अप, उसने कोई भी जवाब दिए बिना वापस से ऊपर चढ़ना शुरू रखा, चालू रखा। द मास्टर रिपीटेड हिज क्वेरी बट इन वेन, क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन और इन वेन का मीनिंग होता है विदाउट सक्सेस, उसने एक बार फिर से उसको क्वेश्चन किया पर उसको कोई सक्सेस मिला नहीं। एंग्री एट बीइंग इग्नोर, इग्नोर का मीनिंग होता है डिसरिगार्डेड। द मास्टर गॉट ऑफ हिज हॉर्स, रिमूव हिज रॉब, प्लेस इट ऑन द ग्राउंड अलोंग विथ द मनी एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप आफ्टर द शेल, उसने क्या किया, वो आदमी वो उसको इग्नोर कर रहा है तो वो अपने घोड़े पे से उतरा, अपना रोब रिमूव किया और वहाँ पे जमीन पे मनी वो भी जो कुछ भी लाया था वो सब कुछ वहाँ पे रख के वो जो सेल कोकोनट ट्री पे चढ़ रहा था उसके पीछे उसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओमरी वॉच ऑल दिस फ्रॉम बिहाइंड द बसेस, व्हेन दैट मैन हैड क्लाइम्ब हाई इनफ ही केम आउट, ग्रैब्ड दैट रिच मैन्स मनी एंड रॉब एंड अलोंग विथ हिज अदर थिंग्स गिवेन टू हिम अर्लियर बाय द रिच मैन्स वाइफ, सेट ऑन द हॉर्स एंड रेस अवे विथ हिज डोंकी फॉलोइंग हिम। ओमरी था वो ये सब कुछ देख रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो वो जो सेल है वो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, वो जो वाइफ थी उसका जो हस्बैंड है वो उसके पीछे ऊपर चढ़ रहा है और ओमरी ये सब कुछ देखता देखता बाहर आ जाता है, वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है तो वहाँ से वो बाहर आ जाता है और ये सब देखता है, तो वो क्या करता है, वो मनी रॉब उसकी वाइफ ने जितना भी कुछ दिया था वो सब कुछ लेके वो जो आदमी का घोड़ा था हॉर्स उसके ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है और उसका जो गधा था वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फाइनली व्हेन द मास्टर केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड फाउंड हिज रॉब मनी एंड हिज हॉर्स मिसिंग, ही रियलाइज वॉट हैड हैपन एंड रिटर्न होम विदाउट देम। व्हेन ही रीच हिज हाउस हिज वाइफ आस्क हिम, वेयर इज योर रॉब, वॉट हैपन टू योर हॉर्स,
कि फाइनली जब वो नीचे उतर जाता है वो आदमी झर के नीचे, तो वहाँ पे देखता है मनी रॉब हो सब कुछ मिसिंग है। उसे पता चलता है कि क्या हो गया है और वो बिना कुछ भी हाथ में लिए घर पे जाता है। घर पे जाते उसकी वाइफ उसको पूछती है, तुम्हारा रॉब कहाँ पे है, तुम्हारा लबादा कहाँ पे है और तुम्हारा घोड़ा कहाँ पे है। ठीक है, अब हमारे जो दो पैराग्राफ बाकी है उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।